नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, सुरेश रैना ने शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सुरेश रैना ने कहा कि शुभमन गिल ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो कामनेस दिखाया वो काफी अच्छा लगा, और इतने बड़े मैच में बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, और जो सिक्सेस उसने उस मैच में लगाए स्पेशली पिकअप शॉट्स वो देखने में अच्छा लगा। शुभमन गिल ने एक सिक्स कार्तिकेय को लगाया और उसके बाद उसने सारे सिक्सेस बॉल के लाइन में आके लगाए, और मुझे अच्छी लगी उसकी बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, और उसने दिखा दिया है कि उसे हैबिट है बड़े मैचेस में रन्स बनाने की। और इससे पहले हमने ये विराट कोहली और जॉस बटलर को करते हुए देखा है लेकिन जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस आज दिखा है उससे पता चलता है कि वो किसी भी बड़े मैचेस में रन्स मार सकता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी की तरह। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो टेक्निकली काफी अच्छा बैट्समैन है और वो इंडिया के लिए 10-12 साल खेल सकता है सारे फॉर्मेट्स में। शुभमन गिल ये इंडिया का फ्यूचर स्टार है और जब जब मैं उसे देखता हूँ मुझे उसमें यंग विराट कोहली दिखता है। शुभमन गिल ये आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। नंबर टू गाइज, माइक हसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। माइक हसी ने कहा कि विराट कोहली फिर से एक बार अच्छे फॉर्म में आ गया है, तो बोथ रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये इंग्लैंड में है, तो इंग्लिश कंडीशन ये डिफरेंट होगी लास्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। So, मुझे लगता है कि यहाँ फास्ट बॉलर ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और कहा जा रहा है कि दोनों भी फिट है, लेकिन इंडिया के पास भी काफी ज्यादा ग्रेट बॉलर्स है। इंडिया के पास मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और स्पिनर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन ये बेस्ट बॉलिंग है। सो ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराना है तो, और इस मैच से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दो टॉप टीम से अपना बेस्ट दे। हम बस एक अच्छी हार्ड और फेयर क्रिकेट देखना चाहते हैं, और जो भी इन दोनों में से अच्छा खेलेगा वो डिजर्व करेगा ट्रॉफी, और मुझे लगता है कि ये एक फैंटास्टिक मैच होने वाली है। नंबर थ्री गाइज, वीरेंद्र सहवाग ने तिलक वर्मा को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि तिलक वर्मा ने दो थिंग्स पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो उसने अपने फिटनेस इंप्रूव करनी चाहिए और आइडेंटिफाई करनी चाहिए स्किल जिस पर उसे काम करने की जरूरत है, और उसने अपने माइंडसेट पर भी काम करना चाहिए, और ये चीज अपने आप होती है जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हो, लेकिन जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते तब आपको आपकी फिटनेस और स्किल पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे कि सूर्य कुमार तो वो अपने शॉट्स की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता है, तिलक वर्मा ने फोकस करना चाहिए इंप्रूव करने के लिए अपनी वीकनेस। और तिलक वर्मा को देखकर मुझे मेरी याद आ गई जब मैं इंडिया के लिए खेला था फर्स्ट टाइम 1999 में, और तब मुझे शोएब अख्तर ने आउट किया था, और जब तक मैं मेरी बैट को नीचे लाता तब तक बॉल ये पैड को लग गई थी। तब सौरभ गांगुली ने मुझे एक बात बताई थी कि तू जाके और प्रैक्टिस कर फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, सो उससे तू बेटर प्रिपेयर होके आएगा। और तब मैं मिडल ऑर्डर में खेलता था जहां मुझे ज्यादातर स्पिन बॉलिंग खेलनी होती थी, इसलिए तिलक वर्मा को मैं यही कहूंगा कि उसने अपने वीकनेस पर काम करना चाहिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।